में भी लेते थे फोन में लगा के। अब आई तेरी याद जाट रोया सारी रात, राग नहीं बजा के। किट्टू तू यहाँ क्यों छुपी है ये बता पहले तो मुझे। हैं क्या क्या कर रही है तू बता मेरे को। आप लोग डांस कर रहे थे तो छुप के देख रही थी क्या? हैं मैं भी आई थी, मैं डर गई ना, मन गया देख के। अभी अचानक से बाहर कर दिया मैंने, मैं लाज उड़ गया यार। अब मैं क्या कह रहा हूँ साथी, अब अपन को जाना है भाई काफी सारे प्रोग्राम्स के अंदर। आज हमारे भाई यश की सिस्टर की शादी है, हमारे सचिन भैया के वहाँ पे मंदिर में प्रोग्राम है, वहाँ भी अपन को जाना है। एक भाई का जन्मदिन है, वहाँ भी अपन को जाना है। और एक भाई का भाई घर का इनॉग्रेशन है तो उसका प्रोग्राम है, वहाँ भी अपन को जाना है। क्या हंस किस बात पे रहे? क्या आ गया? ले अभी तू भी पी लो। ओ नमन उठाएंगे। नमन जी, नमन जी आओ ना, चलेंगे। नमन जी प्रोग्राम में जाना है। नमन भैया पता नहीं कहाँ चले गए। क्या कर रहा है रुद्र? गलत बात है। तो गाड़ी में बात कर ले, हम किसी बोले, आप किसी बोले। आई प्रॉमिस कोई खून खराबा नहीं होगा। हम तो वो पी रहे थे, वो डिक्का की घूट हुए देसी रूट। ये बड़े शाबे बड़े इसका मतलब क्या है, जिसने एकदम सही सही बता दिया ना, एग्जैक्टली सही मतलब बता दिया ना, उसका कमेंट आज पिन ही कर दूंगा। नहीं यार पिन नहीं कर सकते यार, मतलब सही नहीं है इसका। हम लोग गए थे भाई केरला साइड में, वहां पे हमारा एक भाई मिला था, उसने सिखाया था। हमको बोला भाई जाके ना किसी को भी ये बोल देना। हाँ। हमको लगा गाली हो गई है, नहीं बोलनी चाहिए। हाँ, नहीं बोलनी चाहिए। हमने किसी बड़े अंकल से पूछा, अंकल ये होता क्या है? फिर अंकल ने समझाया हमको कि बेटा नहीं नहीं ये गलत चीज होती है। क्या गलत चीज होती है? तुम्हारी उम्र की ले नहीं है चीज। क्या ये तुम्हारी उम्र के हिसाब से नहीं है? लो चलो यार प्रोग्राम में। हेलो कम ऑन लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। नमन जी आ जाओ यार। नहीं आएंगे। आ गए। यस माय ब्रो नमन। Yes, बहुत तगड़ा काम कर रहे हो नमन जी, आप बहुत अच्छा काम करते हो। नमन भाई आप बहुत अच्छा काम करते हो, आप ऐसे ही काम करते रहो, हम आपके साथ हैं। नमन भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कंधे पे बिठा लो नमन जी। आज तो मेट्रो होते होते बच गया। आज हमारे पास में गाड़ी नहीं थी जाने के लिए, मम्मी क्या एक्चुअली इस गाड़ी को लेके जा रही थी। फिर एंड मोमेंट में मैंने मम्मी की व्यवस्था करा के दी कि नहीं मम्मी आप दूसरी गाड़ी लेके जाओ, अभी हम लोग देखो जीप में तो जा नहीं सकते भाई, प्रोग्राम से खूब सारे जल्दी जल्दी पहुंचना होता है। जीप क्या थोड़ी धीरे चलती है ना यार, तो इसलिए दिक्कत आती है। फिर दूसरा मुंह पे धूल मिट्टी हो जाती है। और थार आपको पता ही है कि अभी अपनी सर्विसिंग पे गई हुई है, और सर्विसिंग से आती है अपन उसको बेच देंगे, तो बेचने के बाद में अपने पास में फिर कोई गाड़ी नहीं रहेगी, और बेचने के बाद में फिर अपन नई गाड़ी ले ही रहे हैं। तो जब तक नई गाड़ी नहीं आ रही, जब तक अपन ने पापा की कार हाईजैक कर रखी है भाई। इसी गाड़ी को मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसी को मम्मी यूज़ कर रहे हैं। अब पापा जी को तो चलो कोई ज़रूरत है ही नहीं गाड़ी की, पापा जी के तो सारे फ्रेंड्स के बाद में अच्छी अच्छी गाड़ियाँ हैं। पापा को तो जो बोलते हैं उससे पिक करना आ जाते हैं उनके फ्रेंड्स। अब काश मेरे भी फ्रेंड्स जैसे होते हैं, जैसे मैं भी बोलता रुद्र को भाई रुद्र आ जाए यार स्कॉर्पियो से पिक करने, स्कॉर्पियो से आया था। मैं बोलता नमन भाई आ जाओ एंडेवर से पिक करने, एंडेवर से आया था। अब पापा के तो सारे फ्रेंड्स ऐसे ही हैं भाई, पापा तो जो गाड़ी बोलते हैं वो आती है। पापा के फ्रेंड्स से बहुत मेहनत करी है ना मेरे भाई। तो तुम लोग मेहनत नहीं करते? हमारी उम्र बहुत हुआ है ना, नाजुक उम्र है तुम्हारी अभी। कोई नहीं, हमारे भाई नमन जी आए थे क्विड में पिक करने के लिए, अगर मैं बोल देता हूँ तो, है ना नमन भैया? और जल्दी नमन भैया और गाड़ी लेने वाले हैं, फिर नमन जी उसमें भी आ जाया करेंगे जब मैं उनको बोलूंगा पिक करने के लिए। नई गाड़ी से पहले अपन पहले नया घर लेंगे। यस अभी जयेश भी आ जाता है, जयेश को बोलो कि भाई पिक करने आ जाए तो क्रेटा में पिक करने आ जाएगा। और रुद्र भाई भी आ जाता है, ऐसी बात नहीं है। रुद्र भाई तेरे पास भी तो व्यवस्था थी ना, गाड़ी कौन सी वाली थी? एन की थी ना, स्कॉर्पियो एन की थी, ऐसी बात नहीं है। और दर्शिल भट्ट भी आ जाता है, दर्शिल भट्ट भी दो तीन गाड़ियों से आता है, दर्शिल भट्ट आल्टो से आ जाता है, दर्शिल भट्ट स्कॉर्पियो से आता है, बुलेरो से भी आता है कई बार, ऐसी बात नहीं है। गाड़ियाँ हमारे पास भी आर्यन आते हैं, सबसे तगड़ी गाड़ी में आर्यन आता है भाई, फ्रॉन्क्स में आता है, पहले वरना में आता था, कई बार थार में भी आता है, ऐसी बात नहीं है। भाइयों के पास हमारे भी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं यार, पापा के पास में सारी गाड़ियों में बाप आ जाता है यार। पता है कौन सी गाड़ी आती है? फॉर्चुनर आ जाती है उनके पास में यार पिक करने के लिए। मेरे पास में भी फॉर्चुनर वाला भाई है। यस याद आ गया, अपने फॉर्चुनर वाला भाई भी है रुद्र, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब तो टेंशन ही खत्म हो चुकी है। कल से पापा को बोल दूंगा पापा आप मत छोड़ के जाओ स्कॉर्पियो, मेरे पास में मेरे दोस्तों की गाड़ी है। कल आएगा जयेश अपनी क्रेटा लेके, आएगा ना भाई? बिल्कुल पक्का ना? पक्का। ठीक है डन है, फिर भाई गाड़ी भिजवा रहा हूँ आज पापा के साथ में, कल देखते हैं अगर ये क्रेटा नहीं लेके आया फिर देखते हैं भाई। साथियों दर्शिल भट्ट को हम उठाने आ गए हैं, दर्शिल भट्ट के घर के बाहर खड़े हैं, दर्शिल भट्ट के घर के बाहर नहीं खड़े, दर्शिल भट्ट की मौसी के घर के बाहर खड़े हैं। बुलाओ ना दर्शिल को। अरे यार बोल रहा 15 मिनट से बाहर खड़ा हूँ, बोला नहीं तुम खड़े ही नहीं आए, नहीं मेरी बात करा, बात करना। अबे दर्शिल घर के बाहर खड़ा हूँ मैं, झूठ कह रहा है ये तो, अभी अभी आए हम तो। जल्दी आ जा, साबित कर दिया तो 15 मिनट तो है नहीं ना, बोलने में क्या था। चलो अभी आ जाएगा उसके बाद मारेंगे उसको, ठीक है।
साथियों हमारा सेक्सी बॉय दर्शन भट्ट आ चुका है। लेकिन दर्शन भट्ट मैं क्या कह रहा था, हम सारे गाड़ी के भाई जो है आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, क्या आपकी इंस्टा की डीपी चेंज कर दो, बहुत गंदी लग रही है नई डीपी। तो आप सब भाई रिक्वेस्ट करना, चारों से फर्क क्या पड़ता है क्यों? जब आपके तरह दस पढ़ना चाहिए तो उनको पसंद आ गई। आपके तरह दस लड़कियों की रिक्वेस्ट आई थी कि अच्छी लग रही है, तो आप दस लड़कों के पास छोड़ के उनकी मानूंगा ना। लड़कियों के लिए कर रहा है, मतलब लड़कियों के लिए कर रहा है भाई। लेकिन लड़कियों को ये फोटो कैसे पसंद आ सकती है साथियों, आप बताओ। चलो जो गर्ल्स इस व्लॉग को देख रही है कि दर्शन भट्ट ने ये नया ये नई डीपी ये देखिए, ये है दर्शन भट्ट की नई डीपी। ये डीपी में मतलब मेरे को कम हैंडसम लग रहा है दर्शन, पता नहीं क्यों, वैसे ये बहुत हैंडसम लगता है लेकिन इसमें कम हैंडसम लग रहा है। ये बोल रहा है लड़कियों का हैंडसम लग रहा है, देखो ये है। अब इस पोस्ट के अंदर 15 कमेंट आए, देखते हैं लड़कियों के कितने हैं। अभी तक तो कोई दिखा नहीं मेरे को। ये देखो अभी तो एक भी लड़की का कमेंट नहीं है इस पे। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाई दर्शन भट्ट लड़कियों को भी ऐसी कोई खास पसंद आई नहीं है, आप हमको डींगे मार के दिखा रहे हो, झूठ है। आप झूठ बोल रहे हो, आपको कोई 10 लड़कियों ने नहीं बोला, आपको एक या दो ने बोला है, मेरे को लग रहा है सिर्फ एक ने बोला है। काली बिल्ली रास्ता काट दी, काली छोड़ दी भाई, शिट मैन। ओ नोट कमाए दुनिया ने तेरे यार ने भाई चारा। साथ ही अपना छोटा भाई कुणाल है, ये मेरा स्कूल का जूनियर था, बहुत ही तेज़ जूनियर था मेरा स्कूल का। आज भाई ने जो है घर का भी प्रोग्राम के अंदर अपने बुलाया था, भाई का नए घर का इनोग्रेशन था आज। पहले भाई अपनी विधानसभा सांगानेर में ही रहता था, अब भाई यहाँ पे शिफ्ट हो गया जोटाड़ा में। जोटाड़ा में लगते नहीं? हाँ जोटाड़ा में लगता है भैया, तो अभी अपना उधर भी अपन रहेंगे। अच्छी बात नहीं है, तो हम मिलते रहेंगे हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो अभी तो मैं थोड़ा लेट हो रहा हूँ, भाई कह रहा था अभी खाना खाने के लिए, लेकिन कोई नहीं, अपन ने प्रसाद ही ले ली। अभी थोड़ा लेट हो रहा हूँ, अभी प्रोग्राम में निकलने, फिर मिलेंगे अपन। ठीक है यार भाई। तो साथियों अब यहाँ से फ्री होने के बाद में अपन लोग जा रहे हैं भाई यूनिवर्सिटी पहुँचने वाले हैं। मतलब सॉरी गर्ल, माय मॉम वेरी स्टिकी। क्या स्टिकी? लाइक मॉर्निंग स्ट्रिक्ट लिखा है, स्टिकी नहीं है, स्ट्रिक्ट है। अरे स्पेलिंग देख, STICY लिखा हुआ है, लास्ट वार्निंग भी लगा साइड में, लास्ट वार्निंग। टाइगर जिंदा है भाई, ऑटो वाले मस्त मस्त चीजें लगा देंगे। मैंने लिखने वाला स्पेलिंग इतनी गंदी है। साथ ही अभी यूनिवर्सिटी वाले प्रोग्राम में थोड़ा सा टाइम था, तो अभी हम लोग आ गए हैं भाई हमारे भाई आयुष पारिक के पास में। अभी आपको जैसा पता है कि मैं न्यू कार लेने वाला हूँ, तो आयुष भाई हमारा बहुत तगड़ा कार एंथुजियास्ट है, तो भाई से अपन डिस्कशन करेंगे भाई अपन को कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। वैसे तो अपन SUV लेंगे कोई बढ़िया सी, अब वो कौन सी लेनी है, कितने रुपए की लेनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना। अरे यार मैं वैसी नहीं चाहिए, अपने भोकाली SUV चाहिए, अपने आगे राजनीति के हिसाब से चाहिए, राजनीति के हिसाब से। अरे राजनीति के हिसाब से चाहिए। अरे यार जो भी है ठीक है, थोड़ा बोलूंगा कि कम प्राइस में दिखाओ, थोड़ी सी ऐसी दिखाओ जो अभी अपन इजीली ले पाए। तो फिर पराड़ो दिखा देगा, जो भी दिखाएगा ले लेंगे, इन दी एंड बात करते हैं। ठीक है, अपना भाई जो अच्छा सजेशन देगा अपन गाड़ी ले लेंगे। तो अभी डिसाइड करते हैं, अभी अपन ने दो चार नाम मन में सोच रखे हैं, आपको बता दूं। वैसे मैंने पिछले व्लॉग में बताया था, वापस बता देता हूं, अपन लोग हो सकता है कि भाई स्कॉर्पियो N ले लें, स्कॉर्पियो S11 ब्लैक ले लें, या फिर अपन हाइलक्स भी ले सकते हैं, फॉर्चुनर में भी दिमाग ला सकते हैं, और XUV भी सोच सकते हैं भाई 700, और भी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। मतलब कहीं पर भी अपने अभी फिक्स नहीं है भाई, कोई सी भी ले सकते हैं, वो भी ले सकते हैं, इनोवा हाईक्रॉस भी ले सकते हैं, इनोवा क्रिस्टा नहीं लेंगे, ये भी ले सकते हैं जो गई ना अभी एंडेवर, इसका भी मूड बन रहा है मेरा। तो आप कमेंट करके बताओ कौन सी लेनी चाहिए, कौन सी मेरे पे सूट करेगी भाई, यही वाला है शुरू में ही लगा दो। तो साथियों अभी हम लोगों ने जैसा आपको बताया था कि हम लोग नई गाड़ी लेने वाले हैं, तो आयुष भाई ने तो आते ही हमको नई गाड़ी दिखा दी, दोनों दिखा दी, हाई क्रॉस भी दिखा दी और अपने को भाई एंडेवर भी दिखा दी। और ये तो भाई मेरे को लग भी अच्छी रही है, ग्रीन ग्रीन से भाई बढ़िया रेडी है, बढ़िया रेडी है। लेने क्या बताया यार, राजनीति के हिसाब से दिखाना अच्छी गाड़ी, दिया कुमारी भी यही चलाती है। अच्छा, तुम्हें राजनीति में अच्छी काम आएगी। अच्छा ये वाली लग तो अच्छी रही है यार, यार कुछ बजट में भी तो बताओ ना यार, बजट में सही में बजट में कितने की है? फॉर्चुनर के आसपास। अच्छा फॉर्चुनर के आसपास, बताओ भाई दर्शन भट्ट 2020 डू यू लाइक दिस कार? ये वाली ज्यादा अच्छी लग रही है मुझे साइड वाली, ये भी 7 सीटर, कौन सी लेंगे। अभी अभी कुछ बताएंगे नहीं आपको, जब लेंगे उस दिन दिखाएंगे। साथियों अगर ये 7 सीटर होती ना गाड़ी में अभी के भी और अभी भी ले सकते हैं, ये बहुत पसंद आ रही है, पता नहीं क्यों, बड़ी क्यूट कार है, इसका नाम भी क्यूट है, ऑडी क्यूट। साथियों खूब सारा डिस्कशन करने के बाद में अभी चल रहा है भाई कौन से लेंगे, सामने महिंद्रा शोरूम भी है, तो अभी महिंद्रा के शोरूम चल के आते हैं,
वहाँ पे थोड़ा सा सोचते हैं कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। साथियों अभी हम लोग बैठे हैं हमारी प्यारी स्कॉर्पियो के अंदर, जो मुझे लग रहा है हम ले लेंगे मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि अच्छी लगती है यार। क्या करें, ले लेंगे इसको। ले लेंगे भाई। आयुष जो बोले मैं तो वही गाड़ी लूंगा। देखो हमारा कार एंथुसियास्ट ओनली आयुष है। आयुष भाई बताओ कौन सी गाड़ी लेनी है। जो मैं दे दूंगा अपने आप। यस भाई अपने हिसाब से दे देगा हमें जो भी गाड़ी देगा, लेकिन हम लेंगे भाई। क्या कह रहा है भाई? अरे मैं दे दूंगा, तुम ले लेना। ऐसे गंदी बातें कर रहा है। गंदी गंदी बातें का यार, तू दरअसल तू गलत आदमी है भाई। तुम्हारे यहाँ तक बात आती है उल्टी क्यों हो जाती है, यहाँ से तो सीधी जाती है। दरअसल क्या कह रहा है भाई, गाड़ी कोई सी लो, बस क्राइटेरिया एक ही होना चाहिए। क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? फास्टेस्ट दिल्ली पहुंचा दे। बेस्ट बेस्ट इन सपोर्ट ऑफ दर्शन। कौन को मेरे पक्ष में? मैं भाई। सारे भाई दिल्ली में मैं तो पहले हूं। सब चलेंगे दिल्ली, एंड में भर के चलेंगे। क्या क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे भाई? सांसद की तैयारी कर रहे हैं क्या? हमारा भाई सांसद पद की तैयारी कर रहे हैं। सभी सभी जाएंगे दिल्ली, तू ही चला कर। कह रहा हूँ तू भी चला कर दिल्ली हमारे साथ में। अभी आपके एमपी से एमएलए से केंद्र मंत्रियों से बातचीत करवाएंगे, टेंशन मत लो आप। दो से ढाई महीने बोल दिया रुद्रे, तो गलत हो गया। क्या तेरा भाई करा देगा? बाकी मेरी भी जानकारी, मैं फोन ला दूंगा आज 4-5 दिन के अंदर। मुझे याद है आप लोग देखना मेरे पुराने व्लॉग, थार कितनी जल्दी आई थी। जैसे मन हुआ ना कि हमें थार लेनी है, 1.5-2 साल की वेटिंग चल रही थी उस समय थार पे, क्योंकि उस समय क्रेज था थार का नया नया। तुम्हारा भाई लेके आया था बहुत जल्दी, मतलब विद इन डेज। ठीक है साथियों, बढ़िया डिस्कशन कर लिया हम लोगों ने, काफी कुछ क्लियर हो गया है हम लोगों को। अब हम लोग और सोचेंगे कि क्या लेना है क्या नहीं लेना। जा रहे हैं भाई राजस्थान यूनिवर्सिटी, वहाँ पे अपने एक भाई का जन्मदिन है, तो अपन लोग सेलिब्रेशन करेंगे। हैप्पी बर्थडे दर्शन ने तो पहले से बोल दिया हैप्पी बर्थडे, वहाँ पहुँच के बोल दिया। वो आ गए भाई यूनिवर्सिटी सामने। जन का स्वाभिमान है जन सेवक ही। भाई चालान कटा दूंगा यार। भाई ये तो हमारा भाई है। आज दर्शन जरा कान में एक बात हमारा प्यारा रुद्र। आज रुद्र भाई का दिन थोड़ा दिन में पहले ही खराब हो चुके हैं। कोई बात नहीं सत्य, हम ये नहीं बताएंगे इसे दिन क्यों खराब है, लेकिन खराब है। चलो मुझे भाइयों से मिलके बहुत अच्छा लगा, सबको बहुत अच्छा लगा। रुद्र भाई का दिन खराब था इसलिए इसको भाइयों से मिलके तो अच्छा लगा, लेकिन भाई के साथ सही नहीं हुआ आज। अन्याय हुआ। पांच मिनट जरा कम होता है तो हम डाल देते हैं। सुनो मेरी बात, 2 मिनट का मौन रखो इस बात का। पता है नोटिस नहीं की भाई सबके बजा रहा 1-to-1। भाई ने खुद ही बताया हमको कि मेरे साथ में अन्याय हो गया, हमें तो पता भी नहीं था। वो जिस आदमी ने देखा ना अन्याय होते, एक नहीं देखा वो। वो इतना खराब आदमी था कि वो बता ही देता। कैमरामैन। तो साथियों अब अपन लोग चल रहे हैं भाई सचिन मीणा जी के घर पे, सचिन भैया के वहाँ पे जो है मंदिर के अंदर आज मूर्ति की स्थापना हुई है। तो फिर अभी अपन लोग चलेंगे मंदिर के अंदर, भगवान जी का आशीर्वाद लेंगे, सचिन भैया से मिलेंगे, उनके पूरे परिवार से मिलेंगे, वहाँ पे जितने भी लोग हैं आसपास सब लोगों से मिलेंगे। उसके बाद में फिर अपन लोगों को चलना है भाई यश भैया की बहन की शादी के अंदर, तो उनकी सिस्टर की आज शादी है। यश भैया ने अपन को बहुत प्यार से इन्वाइट किया, तो आज सारे भाई वहाँ पे जाएंगे और दवा के खाना खा के आएंगे। मेन बात हो सकता है कि साथ में अपने हर्ष भाई को ज्वाइन करेगा। हर्ष भाई को नई गाड़ी लेने के लिए हार्दिक बधाई है। अरे हाँ, हर्ष भैया ने नई कार ली है, उनको बहुत बहुत सफारी ले ली, ब्लैक एडिशन। नहीं भाई हाँ। वो तो महिंद्रा ले रहे थे। नो यार छुपे रस्तम निकले, मुझे तो बोल रहे थे कि मैंने स्कॉर्पियो लिया ब्लैक लिमिटेड एडिशन। अरे रुको अभी फोन ही करता हूँ ना यार उनको, यार अभी उनसे पूछ ही लेता हूँ ना, सोचना क्या। हाँ हर्ष भैया मेरे सुनने में ही आपने महिंद्रा छोड़ के सफारी ले ली। वाह यार आप तो महिंद्रा की स्कॉर्पियो लेने वाले थे ना। हाँ तो साथियों जैसा आपने देखा भाई उनने सफारी ले ली है, मैं रीजन ढंग से सुन नहीं पाया, आवाज नहीं आई कि क्यों। बात हुई थी इसलिए मुझे पता लग गया था। नहीं मैं ये नहीं सुन पाया, लेकिन उन्होंने स्कॉर्पियो कैंसिल क्यों करी। क्या सब पता है मुझे यार, बता दे। अब ब्लॉग नहीं बोल सकता मैं। अच्छा नहीं बोल सकते, उसका कुछ कारण है। कारण है, चलो अभी साथियों 2 मिनट बाद बातचीत करेंगे आपसे। साथियों सुनो, हम लोगों को रास्ते में BYD का शोरूम दिख गया,
और जैसे आपको पता है हम गाड़ी लेने वाले हैं, तो हम लोग सोच रहे थे कि एक बार इसको भी चेक तो मार ले, हमको नहीं पता इसमें कौन सी गाड़ी आती है, तो हम लोग देखने आ गए, निरीक्षण लेने आ गए हैं गाड़ियों का। फटाफट अपन ने फोन किया, हेलो बिट्टू दो बैग लिया, पैसा बिट्टू पैसा ले आया, सीधा अंदर पटका और गाड़ी लेके अंदर। इलेक्ट्रिक में 30 से 40 की रेंज में, 30 से 40 की रेंज में सर, ये 36 अपन सेडान में चाहिए, सेडान में कौन सा सर? सेडान में फिर आएगी 43.85, तो 2-4 लाख। सर बताओ ना मन जी, 2B ओनर्स मतलब बहुत प्यारी गाड़ी है यार ये तो, BYD की। लग्जरी के अंदर इलेक्ट्रिक सेडान लेनी हो तो फिर अपन इसको कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग एक सेडान देखने गए थे लग्जरी में, इलेक्ट्रिक वाली है देखो। और हम देखने गए थे और हमने काफी हद तक फाइनल भी कर दी थी वो गाड़ी, लेकिन फिर बाद में मैंने सोचा कि अभी यार गाड़ी के ऊपर मेरे पैसे लगाना इतना ज्यादा सही नहीं रहेगा, वर्थ इट नहीं रहेगा। और फिर क्या, इतने पैसे मेरे पास है भी नहीं, मेरे को थोड़े बहुत मम्मी पापा से ही मांगने पड़ेंगे, थोड़े बहुत क्या ज्यादा ही मांगने पड़ेंगे, तो मम्मी पापा से मांगना भी ठीक नहीं है। फिर बाद में मैंने देखा कि ये गाड़ी जो है उससे सस्ती है जो मैं देख के आया था पहला, तो स्विंग भी है इसके अंदर, ऑटो स्विंग हो रहा है अंदर। अरे वाह यार, और उससे सस्ती भी है और उससे अच्छी भी है, बेटर है, बल्कि उससे बहुत बेटर है। कौन सी बाकी जितनी का वो टेक्नोलॉजी जो देख के आए थे, तू थोड़ी गया था? नहीं मैं, तू गया ही तो नहीं था। मैं नमन दर्शन हम सब गए थे वहाँ पे देखने के लिए, अभी मैं बता नहीं रहा क्योंकि वो गाड़ी मैंने बिल्कुल फाइनल सी कर ली थी, इसलिए मैंने व्लॉग में नहीं बताया था, मैंने कहा था चाक से सरप्राइज बम फोड़ूंगा, लेकिन कोई नहीं, अभी ये मेरे को उससे भी ज्यादा अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, सही बताऊँ तो बहुत अच्छी गाड़ी है। बस ये कंपनी का इतना सुना हुआ नहीं है, लेकिन गाड़ी बहुत अच्छी है। वही तो बात है यार, सारे भाई देख सकते हैं यहाँ पे जो है बहुत तगड़ी वाली वो खा रहे हैं पनीर पैटीज, और ये ऐसी वैसी पैटीज नहीं है, इसके अंदर मेयोनीज से लेके तंदूरी सॉस से लेके सोया, क्या बोलते हैं सोया, नहीं क्या बोलते यार उसको बोलते हैं, वो भी है। अरे हाँ पनीर वाली हो रही, मेरी भी डाल सॉस, कम डालना थोड़ा, बस 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 भाइयों नमन जी ने कर दिया आज तो फाड़ के रख दिया भाई, नमन जी का रोला मच गया। नमन जी कौन सी वाली मंगा रहे हो? सबसे महंगी भाई 60 रुपए की पेटीज मंगा दी भाई ने एक ही बार में, तो देख सकते हैं आप लोग, ये बड़ी हमारी फेवरेट जगह है ये। भैया इसके हाथ में मत देना। अब देखते हैं भैया किसके हाथ में देंगे, भैया के हाथों में, भैया मत देना इनके हाथ में, मत देना भैया, ये तो पहली बार आया, देखो हम आओगे रेगुलर कस्टमर है, लॉयल्टी लॉयल्टी यार। अब नमन जी आ गए, छीन लोगे यार, आप बदतमीज हो यार। नमन जी बिल्कुल भी बदतमीज नहीं है, एक्चुअली नमन जी आए मेरे पास थे। अरे गिर जाएगा, मैं कपड़ों में गिर जाएगा, इसे प्लेट पे रखो, एक नंबर भाई, बहुत टेस्टी, तू तो, मैं तो गद्दार हूँ ना, गद्दार गद्दार करता गद्दार। अरे यार क्या हो गया भाई, तू भाई ने वो धोखेबाजी कर दी, बुरा लगा। अरे यार ये मेरा भाई है, ये फिर मेरे को बोलेगा कि नमन भैया जलते हैं मेरे से। थैंक यू यार, भाई ने पूरी दे दी भाई, दर्शन देख कितना बड़ा कितना बड़ा है भाई। तो आज हम लोग खा लेते हैं, उनके बाद बातचीत करेंगे। गंदगी कैसे कर रहा है, गंदगी कैसे कर रहा है, गंदगी क्या कर रहा है, गंदगी कैसे कर रहा है, गंदगी कर कैसे रहा है तू काले? अरे क्या हो गया यार, पूरा बता बात खा गई, चलिए ऑफिस चलो, बनवारी जी को बोलो कराइए हमारी। मैटर क्या होता है ये सुन लो आप लोग, तो भाई मैटर ये था कि मैं रुद्र भाई पे चिल्ला दिया कि साले मेरे को कॉफी का दे ग्लास, ये वो रुद्र बोला तू मेरे को इतनी सी कॉफी के लिए जाना, फालतू बोल रहा है, तू ही पी ठीक है, बोल रहा था फालतू, लेकिन ठीक है मजाक में बोला, मजाक में फालतू बोल सकता है मजाक में, चल ठीक है मैं बोल दिया छोड़ा आगे, तो सुन फिर मैं इसको बोला ले पीले यार पीले पीले भाई ने, हाँ धक्का दे दिया, धक्का फोड़ दिया, मैंने कहा ले ले भाई, भाई ने धक्का दिया मुझे कि भाई मैं तो नहीं पी रहा, और उसके चक्कर में देखो यार कितनी गंदगी हुई है। रुद्र भाई आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे यार, हम आपसे बेटर डिजर्व किए थे भाई। भाई दर्द लिए क्या कर दिया तूने, उसने क्या कर दिया, साफ करो अभी के अभी, साला अपनी गाड़ी थाल दी है, ये पापा की गाड़ी है, तुम दिमाग खराब हो गया सब लोग यहाँ पे। भाई यार थोड़ा बनवारी जी को बुलाओ यार, बहुत देर हो गया यार, जा लेके आ बनवारी जी को,
जाओ लाओ आग लाओ जाओ। अरे यार तुम बुला ही नहीं रहे यार साथियों, पहले परिवार जी को बुलाइए फिर आपसे बातचीत करते हैं। लड़ाई हो गई, लड़ाई हो गई, गाली बक दिया कमन। ओए ओए गाली नहीं बकी, भाईचारा। ओ भाईचारा कर रहा हूं ना, रुक जाओ ना, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, ऐसे भाईचारा, ऐसे भाई भी भाई भाई मेरा भाई। ये तो गरम कर रहा है भाई, गर्मी है, गर्मी में गरम नहीं करते, सर्दी में गरम करेंगे। सर्दियों में करवा लोगे ना गरम। लो भाई साथियों, बढ़िया तरह से गाड़ी अब साफ हो चुकी है और अपन लोग जो है जल्दी से चल रहे हैं सचिन भैया के पास में। अपन लोग लेट हो गए हैं थोड़ा सा, अब अपन लोग सचिन भैया के पास में जाने के बाद में तुरंत चलेंगे भाई यश भैया की सिस्टर की शादी में, जो अपन लोग सुबह से डिस्कशन कर रहे हैं कि भाई जाएंगे 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 जाएंगे, लेकिन जाते जाते 9 ही बज गए हम लोगों को। अब क्या कर सकते हैं, यश भैया का फोन भी आया था, मैंने बोला था भैया 1 घंटे में आ जाऊंगा, लेकिन वो 1 घंटे का 1 घंटा तो यहीं हो गया, अब क्या करें यार। कोई नहीं, यश भैया जब ब्लॉग देंगे तो उनको पता लगेगा कि हम कितनी बड़ी दुविधा में फंस गए थे, कि दर्शिल भाई और रुद्र भाई कितने गंदे लोग थे, उन्होंने यहाँ पे जो है वो गिरवा दी थी फोटो कॉपी। क्या कर सकते हैं यार, कार्तिक भी सबसे बड़े गंदे आदमी है, बैठा हुआ था हनुमान जी पीछे बैठे थे, तू उंगली कर रहे थे बिन फालतू की, कर रहे थे पीछे पेट में उंगली कर रहे थे मेरे। तो पेट अब क्या, मेरा हाथ तो मेरा आया नहीं, हाथ तो वैसे पीछे गया नहीं, तो ये टांग आगे चली गई। अरे कोई बात नहीं दर्शन, बैठ हो जाता है कई बार। सांगानेर की जो है शान, रग रग में जिसके है। देख सकते हैं बहुत तगड़ा यहाँ पे रथगाड़ी खड़ी है, यहाँ पे अपन शिवम होटल एंड रिजॉर्ट्स में पहुंच चुके हैं, यहाँ पे सामने गार्डन दिख रहा है, जाने का रास्ता वैसे बहुत तगड़ी शादी मेरे पास डाल देंगे लेकिन अपन तो चप्पल पहन के आए। मैं साइड में गाड़ी लगा व्यवहार देख रहे हैं। यश भाई हम गार्डन के बाहर खड़े हैं, क्या करना है? गाड़ी बिल्कुल अंदर लगाओ, बिल्कुल अंदर। जतिन भाई है और जतिन भाई पहली बार आज मिल रहे हैं रुद्र से, और जतिन भाई रुद्र की तारीफ में कुछ कहना चाहते हैं बताओ भाई। हाँ, यूट्यूब पे वीडियोस में आते हैं तो एकदम फनी लगते हैं, बढ़िया फनी लगते हो आप रुद्र भाई। यार मैं भी अच्छा आती है, आप फनी लगते हो, लोगों की दिल को लुभा जाता हूँ। जतिन भाई को तो हमने बहुत कम लिया है, बाकी भाइयों को तो आप जानते हो यार, बहुत अच्छे जानते हो, भाइयों ने कितना अपना साथ दिया है पूरे चुनाव में। ऐसे यार बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं, रोहित भैया है, रोहित भैया ने कुक करने हेल्प करी है चुनाव में। दर्शन भटके घर भाई, राहुल बुट्टी भाई, गुड नाइट ब्रदर। अब मेरी बात सुन, मैं क्या कह रहा हूँ, कल तेरा लास्ट पेपर है ना जी, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, कल से अपन पढ़ने नहीं देंगे, कल से हमारा, कल देखो हमारा तो है थर्ड लास्ट पेपर, इन दर्शन का है लास्ट पेपर, अब मुझे पता है कि हमें पढ़ने नहीं देगा कल के बाद में, कल के आज बहुत एंजॉय करेगा बहुत सारे। क्या कल की बात, तुम्हें रोज नए गिफ्ट से मिलाऊंगा, मैं गिफ्ट से मिलाएगा संडे का डिनर अपना। ओके ये लोग तो बहुत एंजॉय करेंगे यार दर्शन यार, कोई नहीं हम भी करेंगे, पेपर हो जाए तो एक बार हमारे, कोई नहीं मैं पेपर चलते एंजॉय कर लूंगा। अब साथियों अपन चलते हैं भाई घर पे, सारे प्रोग्राम हो चुके हैं, अपन लोग घर चलेंगे, घर जाने के बाद में अपन लोग क्या करेंगे भाई, रुद्र बताओ। वेरी नाइस, पढ़ाई वेरी गुड, पढ़ाई पूरे दिन से हमने कुछ नहीं किया, नहीं कल हमारा पेपर है, तो आज हमारा पेपर है। ओह यस, क्या 12 बज गए हैं ना, तो अब हमारा पेपर मतलब वो डे चालू हो चुका है, तो आज हमारा पेपर है, तो अभी हम लोग पढ़ने बैठेंगे, हमारा एग्जैक्ट
12 घंटे चाहिए, 8 घंटे की नींद चाहिए, 8 घंटे की नींद चाहिए, लेकिन लेनी किसको है नींद, सोना किसको है, 4 घंटे फोन चलाना है, 4 घंटे फोन चलाना है, और फिर नहीं 4 घंटे फोन भी चलाएंगे, नहीं चलाएंगे, नो रील स्क्रोलिंग ब्रो,